नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन आर्या। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप एक शायरी का आर्टिकल लिख सकते हो, वो भी एसईओ फ्रेंडली। दोस्तों, अगर आप अपने शायरी वेबसाइट में एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, आपको ये सबसे पहले सर्च कर लेना है कि आप किस टॉपिक पर जो है वो आर्टिकल लिखना चाहते हो। तो इसके लिए आपको आना है एक फ्री टूल पर, आपको उबर सजेस्ट सर्च करना है और आपको ये फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो टॉपिक है उसको आपको यहाँ सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ लिखने वाला हूँ जिंदगी शायरी, आप इसी तरह कोई भी कीवर्ड आप चूज कर सकते हो। अगर आपका न्यू वेबसाइट है तो आप बिल्कुल ऐसे कीवर्ड पर लिखो जिस पर मतलब सर्च वॉल्यूम कुछ ज्यादा हो और एसईओ डिफिकल्टी आपको कम मिले, ठीक है, जिसमें कंपटीशन काफी लो हो। आप इस वेबसाइट पर गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको काफी ज्यादा कीवर्ड देखने को मिल जाएगा। अभी ये आपको थोड़े बहुत ही रिजल्ट शो करेगा। तो जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जिंदगी शायरी आप देख सकते हो, इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ 0 दिखा रहा है, मतलब इस कीवर्ड पर हमें काम नहीं करना है। इससे रिलेटेड कीवर्ड आप देखोगे जिंदगी शायरी सैड, जिंदगी शायरी हिंदी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है जिंदगी शायरी इन हिंदी, तो इसका सर्च वॉल्यूम भी 6600 है और इसका एसईओ डिफिकल्टी काफी कम है। तो एसईओ डिफिकल्टी जिसका कम रहेगा हमें उसे ही चूज करना है। तो मैं इस कीवर्ड पर लिखूंगा आर्टिकल जिंदगी शायरी इन हिंदी पर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर व्यू ऑल कीवर्ड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। अब आपने ये सर्च कर लिया है कि आपको किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। अब आपको क्या करना है कि इसी कीवर्ड को सर्च करके आप दो तीन वेबसाइट से आप शायरी को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप उसको कहीं भी सेव कर सकते हो। मैंने यहाँ पर गूगल डॉक्स में सेव किया है, आप चाहो तो नोटपैड में या वर्डपैड में कहीं भी आप सेव कर सकते हो। तो शायरी को कॉपी करने के बाद अब आपको अपने आर्टिकल के लिए इमेजेस को क्रिएट करना है। तो फोटो क्रिएट करने के लिए आप किसी भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ, तो आपको आ जाना है फोटोशॉप में और यहाँ आने के बाद आपको फाइल में जाना है और फिर न्यू पर क्लिक करना है। आपको अपने अनुसार कोई भी साइज ले लेना है इमेज का। मैंने यहाँ पर 800x556 लिया है। इसके बाद आपको अपने शायरी के लिए फोटो चाहिए जो कि कॉपीराइट फ्री हो, तो उसके लिए आपको जाना है गूगल पर और एक वेबसाइट को सर्च करना है जिसका नाम है pixels.com, pixels.com। यहाँ पर आपको कॉपीराइट फ्री इमेज मिल जाते हैं। आप चाहो तो एक और वेबसाइट को सर्च कर सकते हो जिसका नाम है pixabay.com और यहाँ पर आने के बाद आप अपना सर्च कर सकते हो कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर लव सर्च किया है और इससे रिलेटेड मैं एक इमेज यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर मीडियम क्वालिटी ही डाउनलोड करना है क्योंकि हमें अपने फोटो को जितना हो सके कम साइज का रखना है ताकि हमारा वेबसाइट का लोडिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा हो। उसको जाना है आपको फिर से फोटोशॉप में और यहाँ पर अपने फोटो को इम्पोर्ट करना है, तो जाना है ओपन में। अब आपको ये मूव टूल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने इमेज को इस पर ड्रैग करना है। तो आप देखोगे कि इमेज काफी बड़ा हो गया है, तो आपको इसको फुल स्क्रीन करना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। इसके बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ ओके करना है। तो आपने यहाँ पर इमेज जो है उसको इंसर्ट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ आपको लेयर दिखाई पड़ रहा होगा, एक तो बैकग्राउंड है उसके ऊपर आपने इमेज इंसर्ट किया है और आपको ये लेयर शो नहीं हो रहा है, तो आप विंडोज में जाकर यहाँ पर आप लेयर को टिक आउट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर शायरी लिखना है, तो शायरी के लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और जहाँ आप लिखना चाहते हो वहाँ क्लिक करना है। अब मैंने यहाँ पर शायरी लिख रखा है तो उसको मैं पेस्ट करूँगा। उसके बाद मूव टूल से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको जाना है फाइल में और यहाँ पर आपको सेव करना है सेव फॉर वेब से। अगर आप नया फोटोशॉप यूज करते हो तो वहां पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सेव फॉर वेब जाना है। उसके बाद यहाँ से आप इसका क्वालिटी जो है उसको लो कर सकते हो, तो यहाँ 60 है तो मैं 30 कर देता हूँ और उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है जहाँ आप सेव करना चाहते हो। तो इस तरह से आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। आपको हर एक शायरी के लिए इमेज क्रिएट कर लेना है। तो मैं आपको इसका साइज दिखा देता हूँ कि साइज इसका काफी कम हो गया है और आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर ये इमेज क्रिएट किया है और इसका साइज आप देखो 34 KB है। तो आप सोच सकते हो कि इस तरह की इमेज जब आपके वेबसाइट में रहेगा तो वेबसाइट का लोडिंग स्पीड कितना अच्छा रहेगा। और आप देख सकते हो इमेज क्वालिटी भी काफी अच्छा है, ऐसा नहीं कि ये बेकार लग रहा है। तो आपको भी इसी तरह से इमेजेस को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद अब बात आती है आर्टिकल लिखने की। तो आपको सबसे पहले अपने वेबसाइट में लॉग इन कर लेना है वर्डप्रेस में। लॉग इन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिख जाएगा।
आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लगइन में जाना है, और प्लगइन में जाने के बाद आपको एड न्यू में जाना है। एड न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है योस्ट। जब आप योस्ट सर्च करोगे तो योस्ट एसईओ नाम का एक प्लगइन आपको मिल जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। आप देख सकते हो इसका 5 मिलियन प्लस जो है एक्टिव इंस्टॉलेशन है, तो ये जो प्लगइन है वो काफी अच्छा है अगर आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाहते हो उसके लिए। तो आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद अब आपको जाना है पोस्ट में। पोस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ एड न्यू में जाना है। अब आपको यहाँ पर अपने पोस्ट का जो है टाइटल देना है। तो मैंने जो यहाँ पर कीवर्ड सर्च किया था उससे मैं रिलेटेड जो है वो टाइटल दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिंदगी शायरी इन हिंदी, मैंने ये टाइटल दिया है। उसके बाद आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। तो मैं हिंदी में कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। तो हिंदी में ऐड करने के लिए आप quillpad.in एक वेबसाइट, उसमें जा सकते हो, और यहाँ पर जो भी आप इंग्लिश में लिखते हो वो हिंदी में टाइप हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो अपना टाइटल है उसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर अपने टाइटल को पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको बोल्ड कर लो, और बोल्ड करने के बाद अंडरलाइन कर सकते हो कंट्रोल यू से, और इसको आप मिडिल में कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर इमेज ऐड करना है। तो आपको जाना है ऐड मीडिया में, और यहाँ अपलोड फाइल्स में फिर सेलेक्ट फाइल्स, और जहाँ पर आपने इमेजेस रखा हुआ है वहाँ पर जाके आपको इम्पोर्ट करना है। तो मैं आपको इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ। और आप यहाँ टाइटल में और ऑल टेक्स्ट में इससे रिलेटेड कीवर्ड को भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इमेज में ज़्यादा जो है ऑल टेक्स्ट में कीवर्ड यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप उसे सेलेक्ट करके एडिट में जाना है। साइज का जो है वो आप फुल कर दो और सेंटर कर दो। देख सकते हो इस तरह का ये लुक है। उसके बाद आपको यहाँ पर शायरी जो है उसको पेस्ट करना है। तो आपने शायरी जो रखा हुआ है इसको कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पेस्ट करना है। तो ये लाइनिंग लाइनिंग आ रहा है, तो आपको क्या करना है, लाइंस को हटाना है। तो इसके लिए आपको जाना है नोटपैड में, और नोटपैड से इसको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आपको मिडिल में कर देना है। तो इसी तरह से आपको और भी जो है इमेजेस और शायरी को ऐड कर देना है। आपको बस क्या करना है कि इमेजेस को इंपोर्ट करना है और शायरी को पेस्ट करना है। तो मैं जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। तो इमेजेस और शायरी ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर कुछ सब हेडिंग ऐड करना है। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा था, उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा इमेज है ये, और सभी आप टेक्स्ट को मिडिल में रखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है एक सब हेडिंग ऐड कर सकते हो जो कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड हो। तो आपको करना ये है कि आपको यहाँ इंटर प्रेस करना है, आप इसे कॉपी कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो। इसमें कुछ थोड़ा सा पर चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है हेडिंग, और आपको ये मिडिल में कर देना है। तो इसी तरह से कुछ सब हेडिंग आपको जो है ऐड करना है अपने पूरे पोस्ट में। जो आप पूरे आर्टिकल में सब हेडिंग ऐड कर लोगे तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जब आप योस्ट एसईओ इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर ये नीचे कुछ सेटिंग नजर आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है रीडेबिलिटी में मेरा ग्रीन आ रहा है। अगर आपका ये ग्रीन नहीं आता है तो आपको इस पर क्लिक करना है और देखना है कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये ग्रीन हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको ग्रीन कर दिया। अब आते हैं एसईओ में, तो एसईओ पर वो क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कीवर्ड लिखना है कि आप किस कीवर्ड पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे ही आप ये कीवर्ड लिखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एसईओ जो मेरा है वो ऑरेंज आ रहा है, मतलब अभी मुझे कुछ इसमें और बदलाव करनी है। तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ और एसईओ एनालिसिस में आपको क्लिक करना है। तो आप देखो यहाँ पर क्या क्या एरर है। एक तो है इसमें क्या कि आपने आउटबाउंड लिंक नहीं दिया है, इंटरनल लिंक नहीं दिया है, की फ्रेज डेंसिटी है जो, ठीक ना, वो एक ही बार यूज हुआ है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन कहा जा रहा है, ठीक है। तो की फ्रेज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि आपने जो कीवर्ड डाला है वो अपने पूरे आर्टिकल में एक ही बार यूज किया है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ कीवर्ड और ऐड कर दूंगा। उसके फिर से आके हम देखते हैं एसईओ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है की फ्रेज डेंसिटी वो ओके हो गया है। अब आउटबाउंड लिंक क्या होता है, आउटबाउंड लिंक का मतलब क्या है कि अगर आप अपने वेबसाइट पर किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक देते हो तो उसे आउटबाउंड लिंक कहते हैं।
लेकिन आप अपने पोस्ट में बिना मतलब के कोई भी आउटबाउंड लिंक मत दो। जहां पर अगर आप कुछ बता रहे हो, इंफॉर्मेशनल कुछ भी इन्फो दे रहे हो आपको अगर कोई ऑफिशियल वेबसाइट है तो आप उसका लिंक दे सकते हो, लेकिन अगर आप जानबूझकर कोई वेबसाइट का लिंक दे रहे हो तो वो स्पैमिंग हो जाएगा, आपको वो नहीं करना है। उसका इंटरनल लिंक का मतलब क्या हुआ? इंटरनल लिंक का मतलब ये हुआ कि आप अपने वेबसाइट में ही इंटरनल लिंकिंग कर रहे हो, मतलब आपने एक पोस्ट से चाह रहे हो कि कोई विजिटर आए तो वो दूसरे पोस्ट पर जाए, तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने वेबसाइट पर जाना है, और वेबसाइट पर जाने के बाद कोई भी अदर लिंक को कॉपी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर शायरी में जाता हूँ और मैं यहाँ पर दो तीन जो है लिंक ओपन कर लेता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो कि इन लिंक को आप कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करने के बाद आप इसे कहीं भी लिंक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को क्लिक करके यहाँ पर आपको इंसर्ट लिंक करना है और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये जो हो रहा है ये इंटरनल लिंकिंग हुआ, और आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कहीं बीच में, अगर आप लिखना चाहते हो तो। तो आप देख सकते हो अभी भी जो SEO है वो ऑरेंज कलर का है, तो आपको फिर से यहाँ देखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ आउटबाउंड लिंक, तो मैं इस आर्टिकल में आउटबाउंड लिंक नहीं दे रहा हूँ। अब उसके बाद बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की। तो मेटा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक, अगर आप यहाँ नीचे आओगे तो आपको एडिट स्निपेट का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको जाना है, और जाने के बाद आपको मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड करना है। तो आप मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड को ऐड कर सकते हो। आपको मैंने ये बताया था कि आप यहाँ जाकर कीवर्ड को लिख सकते हो, तो आपको जो भी यहाँ कीवर्ड लेना है आप कुछ कीवर्ड को यहाँ पर नोटपैड में लिख लो, तो मैंने यहाँ लिख लिया है, और उसके बाद आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप देखो ये लाइन ऑरेंज हो रहा है, तो आपको इसको ग्रीन करना है। तो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दिया है। अब उसके बाद आपका देखो SEO भी जो है वो ग्रीन हो गया है। अब आपको इधर साइड में आना है, आप देख सकते हो ये जो आपने आर्टिकल लिखा है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो है रिलेटेड जिंदगी शायरी से। तो आपने जो कैटेगरी क्रिएट किया हुआ है उसमें से आपको जिंदगी शायरी को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ सबसे नीचे आ जाता हूँ और जिंदगी शायरी को मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी और कैटेगरी है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास एक ही कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आपको यहाँ टैग में आना है, तो टैग में जो अभी आपने टैग कॉपी किया है उसको आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। जो भी आप टैग लिखोगे सारे के बीच में कॉमा होना चाहिए, उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फीचर इमेज ऐड करना है, तो सेट फीचर इमेज में जाना है, और आप जो भी इमेज ऐड करना चाहते हो अपने आर्टिकल का, कोई भी एक इमेज को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये आर्टिकल मेरा रेडी है, और रीडेबिलिटी और SEO दोनों मेरा गुड दिखा रहा है। उसके बाद आपको लास्ट काम ये करना है कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका है आपको इसमें एडिट में जाना है, और जो आपका हिंदी वाला टेक्स्ट है उसको आपको अपने लिंक से डिलीट कर देना है। उसका आपको ओके करना है, उसके बाद फाइनली जब आप ये कर देते हो उसके बाद आपको पब्लिश पर क्लिक करना है। तो आपको ये मैं पोस्ट दिखा देता हूँ, तो ये इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो फिलहाल दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।